मुझे इस बात का गहरा खेद है कि मैं ब्रेक्जिट समझौते पर संसद में एक मत बनाने में नाकाम रही। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उनके इस ऐलान के साथ ही अब यहाँ इस पद के लिए नए नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। यूके मीडिया के मुताबिक इस रेस में सबसे आगे पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन हैं। ब्रेक्सिट डील के हिमायती जॉनसन देश का नेतृत्व संभालने के लिए अपना अभियान चला रहे हैं और बीते हफ्ते उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी इस इच्छा का ऐलान भी किया था। वहीं प्रधानमंत्री पद की रेस में दूसरा नाम पूर्व ब्रेक्सिट सचिव डोमिनिक रॉब का है। रॉब भी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को अलग करने के धुर समर्थक माने जाते हैं। वहीं पीएम पद वाली लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम 56 साल की एंड्रिया लीडसम का माना जा रहा है। साल 2016 में जब पीएम पद का चयन किया जा रहा था उस वक्त भी एंड्रिया लीडसम और थेरेसा के बीच कड़ी टक्कर थी। ऐसे में इस बार भी इन्हें पीएम पद की रेस में आगे माना जा रहा है। इसके अलावा गृह सचिव साजिद जावेद, इंटरनेशनल डेवलपमेंट सचिव रोरी स्टीवर्ट, रक्षा सचिव पेनी मोरडॉन्ट और ट्रेजरी मुख्य सचिव लिज ट्रस भी पीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पीएम की रेस में बाजी कौन मारता है।